इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा फैसला अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने 2008 में सीरियल ब्लास्ट का फैसला सुनाया, जिसमें 49 आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें 38 को फांसी और 11 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरा नाम अरविंद सिंह चौहान है और मैं ये आपका 26/6/2008 को जुलाई को जो बॉम्ब धड़ाका हुआ था हाटकेश्वर में, उसका जो जजमेंट आया है उसको 38 लोगों को फांसी, 11 लोगों को आजीवन कैद का, ये बहुत आवकार लायक ये सजा सुनाई है। ये प्रजा के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ही ये निर्णय शुद्ध और अच्छा है। मुझे पता है कि मैं मेरी ऑफिस और मेरा कॉम्प्लेक्स के आगे हाटकेश्वर में जो बॉम्ब फटा था इतना भयानक था, ताकि चारों बाजू माहौल दौड़ लारी वाले दुकान वाले इतने ज़ोर से आवाज़ था और मालूम पड़ा एक मिनट के बाद में दूसरी चौराहे पे दूसरा बॉम्ब। मैं उस टाइम उस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेटर था यहाँ का विस्तार का, एक सेवा प्रजा का प्रतिनिधि होने के नाते सभी को लेके मैं एलजी हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे और एलजी हॉस्पिटल में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इतना भयंकर अहमदाबाद में जो 20 धड़ाके हुए थे सिविल हॉस्पिटल, ये मानव विरोधी जो आतंकवादी लोग हैं ये किसी के हो नहीं सकते, कोई मजहब के हो नहीं सकते। आतंकवादी को जो आज सजा सुनाए उसको तय दिल से, यहाँ की जिन्होंने अधिकारियों ने इनको सजा दिलाने में जो मेहनत करी उसके लिए मैं तय दिल से उनको आभार मानता हूँ। और कोर्ट ने जो सजा दी उसको भी खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। साथ में गुजरात जैसे देश में शांति प्रिय देश है हमारा, हमारा जो गुजरात स्टेट है शांति प्रिय कहलाता है, उसमें जिस तरह इन्होंने बॉम्ब धड़ाका किया था उनको आज सजा दी। तो मेरा नाम श्रवण भाई बोरीकर है और मैं सना सेठ के चाली में रहता हूँ और मेरी पत्नी सुनंदा बेन बोरीकर ये 2008 में 26 जुलाई को शाम के 6:30 बजे सब्जी लेने के लिए गए और वो बम ब्लास्ट में फंसा गई और उसके बाद में जो अभी 13 साल के बाद में जो न्याय आया है तो उसको खुशी तो हुई है, लेकिन मेरा जिंदगी जो आज तक के मैंने जो दिया जो अकेला जिंदगी जिया है जो उसका एक परिणाम है कि आज मेरे को जो न्याय मिला है उसमें मैं सहमत हूँ। जो भी न्याय मिला है आपको उससे आप खुश हैं? खुश तो हूँ लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए।